ये देखिए कितनी बढ़िया कुकीज बनी है, और पीछे से ये देखिए कितनी क्रंची लग रही है। ऐसे ही बननी चाहिए कुकीज। और ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, और ये क्रंची है, इतनी बढ़िया लग रही है ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तनवीज किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मिलेट कुकीज, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और हेल्थ वाइज बहुत ही अच्छी यानी हेल्दी कुकीज है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे देसी घी 50 ग्राम, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं या डालडा भी ले सकते हैं। और 65 ग्राम खांड लिया है मैंने, इसकी जगह आप चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी आपको 65 ग्राम लेना है। या फिर आप गुड़ का पाउडर भी ले सकते हैं, वो भी आपको 65 ग्राम ही लेना है। जो नाप है वो वही रहेगा, आपकी जो मर्जी हो आप डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा वेनिला पाउडर 1 टीस्पून। अगर आपके पास वनीला पाउडर नहीं है तो आप लिक्विड फॉर्म में भी वनीला पाउडर, लिक्विड फॉर्म में भी वेनिला डाल सकते हैं। वेनिला एसेंस जो आता है आप वो डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है इसमें थोड़ा सा कॉफी का फ्लेवर डालने के लिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून के करीब कॉफी ली है, ये थोड़ा सा जम गई है कॉफी। तो ये हमने कॉफी को डिजोल्व कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के 1/2 चम्मच के करीब हमने पानी डालना है, और इसको मैंने डिजोल्व कर लिया है। ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि रेनी सीजन है और हमने जब सामान लगाया था, अरेंज किया था, तो ये जम गई थी। अगर पाउडर फॉर्म है तो आप उसको ऐसे डाल सकते हैं। इसको हम डाल लेते हैं। अब यहाँ पर हमने लिया है ये 1 टीस्पून कोको पाउडर, इसको भी हम डाल लेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे क्रीमी होने तक। अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है पहले, उसके बाद फेंटना है। आप इसे बीटर है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है उससे फेंट सकते हैं, या फिर चम्मच से फेंट सकते हैं, या फिर जो मेरे पास स्पैचुला है हम उससे भी फेंट सकते हैं, या फिर आपके पास हैंड विस्कर हो तो हैंड विस्कर से भी आप फेंट सकते हैं। कोई भी चीज़ से आप इसे क्रीमी होने तक फेंटेंगे, यानी इस तरीके से मैं इसे फेंटूंगी जब तक ये क्रीमी नहीं हो जाता है। और इसे क्रीमी होने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर घी या बटर आपका हल्का सा मेल्ट होगा, मेल्ट करके गर्म करके नहीं लेना है घी या बटर को, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेना है आपको, तभी वो क्रीमी होगा। अगर आपने उसे गर्म करके मेल्ट कर लिया तो क्रीमी फॉर्म नहीं बनेगी और आपके बिस्किट भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये देखिए हल्का हल्का क्रीमी होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ये देखिए इस मिक्सचर को फ्लफी होने में 2 मिनट का टाइम लगा है और बहुत बढ़िया सा फ्लफी हो गया है। इसमें हम डालेंगे ये डार्क चॉकलेट, ये आप कंपाउंड फॉर्म में ले सकते हैं या जो आपके आसपास मिलती हो उसी तरीके से इसको ले सकते हैं। और ये डार्क चॉकलेट है 100 ग्राम, और इसको फोल्ड करके इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसमें। अब हम इसमें डालेंगे सारी सूखी सामग्री। उसके लिए हमें एक छलनी रखनी है इसके ऊपर इस तरीके से। और यहां पर हम लेंगे ये 50 ग्राम ज्वार का आटा। दो टेबल स्पून बेसन जो इसको बाइंडिंग देगा क्योंकि हम ग्लूटेन फ्री बना रहे हैं। 1.5 टेबल स्पून, 1.5 चम्मच के करीब टेबल स्पून ले सकते हैं आप, या चम्मच, एक ही चीज है। आप जो घर जिस स्पून से खाना खाते हैं घर में उसी से भी नाप के ले सकते हैं। तो यहां पर मैं डाल रही हूँ ये वेनिला कस्टर्ड पाउडर, 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच चावल का आटा,
1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, और इन सारी चीजों को हम छान लेंगे। तो यहां पर ये देखिए हमने इसे छान लिया है। अब हम इन सारी सामग्री को एक साथ हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा हमें टाइटली इस तरीके से मैश नहीं करना है, सिर्फ हमें अपनी इन फिंगर्स का यूज करना है और थंब का यूज करना है, और इस तरीके से हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करते हुए बाइंड करेंगे, क्योंकि जो हमने क्रीमी टेक्सचर दिया है इसमें वो भी खत्म ना होने पाए, उसी से फ्लफीनेस आती है और कुकी हल्की बनती है। तो उसको बहुत ज्यादा अगर हम प्रेस करेंगे तो वो खराब हो जाएगा टेक्सचर। और ये देखिए इस तरीके से हमने हल्के हाथ से मिला लिया है। अब हमें इसमें मॉइस्चर की जरूरत है, तो मॉइस्चर के लिए हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा दूध। दूध अपने हिसाब से आवश्यकता अनुसार डालना है, यानी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना हमने अभी तक ये 3 चम्मच डाला है, 3-4 चम्मच मैंने डाल लिया है। और अब हम इसको पहले बाइंड करेंगे, और इसका जो डो है हमें थोड़ा सा चिपचिपा डो बनाना है, यानी बहुत ज्यादा टाइट डो नहीं बनेगा, हल्का सा स्मूथ डो बनेगा। 3 चम्मच मैंने और डाले हैं और इसको हमने बाइंड करना शुरू किया है। तो ये देखिए ये आटा बनकर तैयार है। इसमें जो दूध लगा है वो 9 चम्मच दूध लगा है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और ये मैं डाल रही हूँ ओट्स, आप इस ओट्स का आटा बना के भी इसमें डाल सकते हैं, पर मैं ये होल ओट्स डाल रही हूँ जो देखने में बीच बीच में अच्छे लगते हैं। और इसको भी हम इसी के साथ मिक्स कर देंगे। और अब हम बनाएंगे इसकी लोइयां, तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, जितना आपको बड़ा बिस्किट चाहिए इस तरीके से लोई तोड़ के आप ऐसे भी बना सकते हैं, और आप किसी नाप से भी बना सकते हैं। आपके पास कोई कटोरी हो 50 से 60 ग्राम की, 60 ग्राम तक की आप बिस्किट को बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये आप नाप भी ले सकते हैं ऐसे, और ये आपका एक नाप हो जाएगा। ये तकरीबन 70 ग्राम की बैठेगी, 65 से 70 ग्राम की, और इस तरीके से आप कुकीज बना सकते हैं। और इसमें कोई आपको शेप नहीं देना है, सिंपल जैसे आप शेप दे रहे हैं सिंपल शेप देनी है, और जब ये बनेगी तो मेल्ट होने के बाद ये शेप आ जाएगी। इस तरीके से कोई भी आप गोल बर्तन, कलछी, छोटी सी बाउल, कुछ भी ले सकते हैं, इससे आपकी कुकीज एक सी बनेंगी। और हम यहाँ पर ले रहे हैं ये चॉकलेट चिप्स। चॉकलेट चिप्स कुकीज में इस तरीके से लगाएंगे हम ऐसे करके, और इन कुकीज को हम रखेंगे बेकिंग ट्रे में। ये मैंने फूड पेपर लिया है, आप फूड पेपर हो तो फूड पेपर ले सकते हैं या फिर बटर पेपर भी ले सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मिलेट चॉकलेट वाली मिलेट कुकीज बनके तैयार है, अभी बेक होने के लिए तैयार है। ये बेक नहीं हुई है, सिर्फ खाली हमने इसकी शेप बना के रखी है, और जितना डो हमने तैयार किया था उस डो में ये 7 कुकीज बनकर तैयार हुई है। इन कुकीज को बिल्कुल अलग अलग रखना है, जितनी बड़ी आपकी ट्रे है दूरी पे रखना है, क्योंकि जब ये बेक होती है तो ये फैलती है, इससे एक साथ ना चिपके फैलते समय। बेक होते समय जब ये फैलेंगी तब ये एक साथ चिपके ना, इसके लिए हमने इन्हें दूर दूर रखा है। तो इस तरीके से आपको रखनी है। और ये कुकीज में हमने चॉकलेट चिप्स लगा लिए हैं, और इसको अब हम आधा घंटे के लिए रखेंगे फ्रीजर में। फ्रीजर में ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी,
उसके बाद हमें इन्हें बेक करना है, लेकिन पहला प्रोसेस हमारा रहेगा ये शेप देने के बाद कि हम इसे आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रखें। फ्रीजर में इसे निकालने के बाद हम इसे ओटीजी में बेक करेंगे। ओटीजी में बेक करने के लिए आपको 170 डिग्री पर इसे 10 मिनट के लिए ओटीजी को प्री हीट करना है। दोनों कॉइल्स ऑन रहेंगी और फिर इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। ये देखिए 30 मिनट हमने इन्हें फ्रीजर में रख के सेट कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे बेक होने के लिए अवन में। अवन में 170 डिग्री पर हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसी बनी है, और इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं क्योंकि इनमें गैपिंग होनी चाहिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, चॉकलेट मिलेट कुकीज बनकर तैयार हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी। और मेरे ओटीजी में इसे बनने में लगा है 20 मिनट का टाइम। आपके ओटीजी में हो सकता है 5 मिनट ज्यादा या कम लगे। तो या तो ये 20 मिनट में बनेंगी या 25 मिनट में। तो इन हेल्दी कुकीज को जरूर बनाइए और हमें बताइए कि कैसी बनी, और आप देश के किस कोने से हमारी वीडियोस देख रहे हैं मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि हमें ये वीडियोस बनाने में, एक एक वीडियोस को बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो उस मेहनत को प्लीज अप्रिशिएट करिए। फिर मिलते हैं आप अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। ये देखिए कितनी बढ़िया कुकीज बनी है, और पीछे से ये देखिए कितनी क्रंची लग रही है। ऐसे ही बननी चाहिए कुकीज। और ये देखिए मैं इसे तोड़ के दिखाती हूँ, और ये क्रंची है, इतनी बढ़िया लग रही है ये देखिए।